राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भिलाई 3 में स्वास्थ्य केंद्र में सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की अंतिम वर्ष होने पर विस्तृत समीक्षा कर नवीन वर्ष अप्रैल से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि ANC व शिशुवती माताओं व टीकाकरण और संस्थागत प्रसव पर विभागीय समीक्षा की जा रही है। इस अवसर पर सेक्टर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे ने स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति प्राप्त करने पर, कोविड काल में अच्छा कार्य करने पर कर्मचारियों की प्रशंसा की। वहीं मौके पर श्रीमती आर विश्वास, श्रीमती ए दत्ता ने समीक्षा की। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मार्च महीना आखिरी महीना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का। गर्भवती माताओं का पंजीयन, गर्भवती माताओं का टीकाकरण, गर्भवती माताओं के बाद शिशुवती माताओं का पंजीयन, बच्चों का टीकाकरण, इस संबंध में एक स्पष्ट रूप से गाइडलाइन मिली थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कि साप्ताहिक बैठक को थोड़ा मजबूत करके कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जनहित तक कैसे पहुँच रहे हैं और उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं, इस संबंध में एक बैठक आयोजित करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा की है। हमारा सेक्टर भिलाई 3 की प्रगति अच्छी है। कोविड काल के कारण कुछ जगह पे हम नहीं पहुंच पाए हैं। निश्चित रूप से आने वाला नया वर्ष जो हम लोग का होगा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जनता के बीच में पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनको पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ उनको सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।